तहम्मुल से काम लो। क्या तहम्मुल से बात करूं बाबा, क्या तहम्मुल से काम लूं? आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि क्या हो चुका है। रोहित कुछ बताओगे तो हमें पता चलेगा ना। मामा मैं, आप प्लीज मुंतहा से कहें कि ये सच सच बता दे कि इसने फ्लैट की रजिस्ट्री कहां रखी है। अरे वो रजिस्ट्री के कागजात तो हमारी अलमारी। आप चुप रहिए प्लीज, आपसे नहीं पूछा है मैंने, ना ही वो रजिस्ट्री के पेपर्स मैंने आपको दिए थे, आपकी बेटी को दिए थे, ये जिम्मेदार है। बोलो मुंतहा। सच सच बता दो मुंतहा, बता दो। वो रजिस्ट्री के कागजात जमानत के तौर पर रखवाए थे कर्जे के लिए। फिर झूठ बोल रही हो तुम? झूठ नहीं बोल रही, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। अम्मी बोल लेना, मैं झूठ नहीं बोल रही। क्या बोलेंगी क्या बताएंगी? मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम्हारे उस घटिया बाप ने 4-5 करोड़ का अपार्टमेंट 1.5 करोड़ में बेचा और भाग गया। क्या कह रहे हो, सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए में? नहीं नहीं रोहेल, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं आई स्वेयर मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने नहीं किया ये, मैंने नहीं किया, आई स्वेयर। रोहेल क्या तुमने? मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस रजिस्ट्री पे तुम्हारे सिग्नेचर्स हुए हैं। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ और मुझे इसी बात का अफसोस है कि तुम मुझसे झूठ बोले जा रही हो। मैंने झूठ नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ रोहेल, रोहेल मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अम्मी बस कर दो मुंतहा, क्या हो रहा है हमारे घर में ये? कसम खाकर कह रही हूँ बहन, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो मर्दूद मुझे इतना बड़ा धोखा देगा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हमें तो खुद आज पहली मर्तबा पता चला है कि रोहेल ने वो फ्लैट मुंतहा के नाम किया। आंटी मैंने तो कर्जा समझ के दिया था ना, मुझे क्या? अम्मी बोले ना। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, इसका कोई कसूर नहीं है। पर तुम इतना बड़ा फैसला रोहेल की इजाजत के बगैर कर कैसे सकती हो? कैसे? बहन मैं कह रही हूँ ना, जो किया धरा है वो सब मेरा है, इसका कोई कसूर नहीं है। इसने तो बस महीने भर के लिए वो कागजात दिए थे, पता नहीं क्या कर। मेरी तो समझ से बाहर है ये सब कुछ। इतने गुस्से में है रोहेल, जाके देखती हूँ उसको। रोहिल मुझे वाकई नहीं पता था वो साइन मुझसे धोखे से करवाए गए हैं। मैं आपको किसकी कसम खाऊं कि आपको यकीन आ जाए? जब झूठ को सच साबित करना होता है लोग तभी कसमें खाना शुरू करते हैं। रोहिल मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं मैं आपको? वो उन्होंने मुझसे कहा था कि वो कर्जे की जमानत के पेपर है, इस वजह से मैंने साइन किए थे। तुमने बाहर पड़े साइन कर दिए? नहीं नहीं वो एक खाली पेपर था बस स्टैम्प्ड। अच्छा रोहिल अम्मी सॉरी, अम्मी ढूंढ लेंगे, सब ठीक कर देंगे। क्या हो जाएगा पेपर्स ढूंढने से? जो नुकसान होना था वो तो हो गया। पैसे तो उन्हीं के पास होंगे ना? इससे क्या होगा, तुम जाके उसको कहोगी मेरे पैसे वापस करो, वो वापस कर देगा। और ये पैसों का मामला नहीं है, एक यकीन का मामला है। माफ कर दे मुझे रहने के लिए इस बार। आज घर वालों की नजरों में गिर गया मैं, बल्कि अपनी नजरों में भी। डॉक्टर साहब कोई और परेशानी की बात तो नहीं है ना? टेंशन है बस रिलैक्स रखें ना। मैं ये डॉक्टर क्यों आए थे? कोई बात नहीं, वो हमारे पापा की तबीयत थोड़ी खराब है। क्या हुआ? वो ये ब्लड प्रेशर कभी बढ़ जाता है कभी कुछ, कोई वैसी बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। अम्मी सुबह तो बिल्कुल ठीक थे वो।
हाँ तो बेटा, तबीयत बता के तो खराब नहीं होती ना, ठीक हो जाएंगे। आगे नदमा से कहो कि यखनी बना। अबू कहाँ हैं? कमरे में। देख क्या? आ जा। इम्तियाज मुगल, तेरा बेड़ा गर्क तो किसी बस के नीचे आके आज ही मर जाए कमबख्त। क्या कर दिया मेरे साथ इसने? कहीं का ना रहे। खुदा का वास्ता उस फ्रॉडी शख्स को ढूंढे वरना मेरा घर तबाह हो जाएगा। इम्तियाज, कम से कम तुम्हारे सर पर छत तो है, मेरे बारे में सोचो, मेरा क्या होगा, मेरा कोई ठिकाना है? जाना कहा अम्मी, वही लेके जाऊंगी आपको जहाँ से लेके आई थी, इतने बड़े फ्लैट में, वो भी डिफेंस के। हैं? नहीं 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 नहीं, उस गंदे बदबूदार मोहल्ले में अब मैं नहीं जा सकती, किसी सूरत नहीं जाऊंगी। समझने की कोशिश करें, मैं आपको यहाँ ज्यादा देर नहीं रख सकती, मेरे हाथों से चीजें फिसल गई हैं। मुंतहा, मेरे पैरों से जमीन जा चुकी है, न सर पे आसमान है न पैरों के नीचे जमीन, मेरे बारे में सोचो, मेरा क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे समझाऊं रोहिल को, उनका तो मूड बिल्कुल ही ऑफ हो गया है, मैं तो समझ नहीं आ रहा है। हाँ तो मूड तो ऑफ होना था ना उसका, उस बेचारे का, उसको तो 2.5-3 करोड़ का टीका लग गया बैठे बिठाए। गलत कर दे इम्तियाज मुगल को। उस शख्स को ढूंढे, अपने शोहर को ढूंढे, कहीं ना कहीं तो होंगे, कहीं तो होंगे। अरे जाके मरा होगा, मनहूस मारा उसी गंदे मोहल्ले में है, वही है उसके यार दोस्त चरसी मवाली और जुआरी अलग, वही होगा। तो वही जाके देखते है ना, चले मेरे साथ। नहीं 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 मुंतहा, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, अब तक तो वो ये सारी रकम जुए में हार चुका होगा, कुछ नहीं मिलेगा जाने से। अम्मी कुछ तो मिलेगा, कुछ तो। अरे क्या मिलेगा, तुम कहती हो तो ये भी कर देखते हैं, हो ना कुछ नहीं। ख्याल है पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। क्या बातें कर रहे हो रोहिल, अपनी बीवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओगे? साइन उसके हुए में है। अब्बू मुझे जरा बताएं हुआ क्या? इसे नहीं बताया तुमने? इसे घर के किसी मामले में इंटरेस्ट हो तो कोई बात करूं ना। मैं सिर्फ आपकी मिसेस के मामलात में इंटरेस्ट नहीं लेता, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं रोहिल भाई। ब्लड प्रेशर हाई है आपका। अबू ये सिर्फ टेंशन की वजह से हो रहा है, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे 4-5 करोड़ रुपए के नुकसान के बाद क्या मैं टेंशन भी ना लूं? तुम्हें जरूरत क्या थी ये बताओ, मुंतहा के नाम करने की फ्लैट को क्या जरूरत थी तुम्हें? बाबा बाबा जो कुछ भी हुआ है उसके सौतेले बाप ने किया ही है। भाई कोई मुझे तफसील से बताएगा कि हुआ क्या है? हाँ बताइए, ताकि इसे मौका मिले खुल के मुझ पे हंसने का। अरे भाई मुंतहा के सौतेले बाप ने रोहिल का फ्लैट बेच दिया है धोखे से। क्या मतलब, फ्लैट है कोई मजाक नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, ऐसे कैसे बेच दिया आपने? यार हो जाता है भाई, कुछ जान के थोड़ी किया है मैंने। नहीं तो आपको ये करने से पहले सोचना चाहिए था ना, ऐसे कैसे डिसीजन ले लिया आपने? हाँ लेकिन चुप करो, क्या हो गया? एक तो मेरी तबीयत खराब है, जाओ अपनी मां से पूछो कि क्या हुआ। सर मेरा फटा जा रहा है दर्द से, और जब पता नहीं होता ना किसी बारे में तो होश हो जाएं आप दोनों। पहले से उनकी तबीयत खराब है और अभी प्लीज जाइए यहां से। ख्याल करें बाबा। हेलो जन, आपका सूप बना दिया है, अभी थोड़ा सा गर्म है, आप थोड़ा इंतजार करके खा लीजिएगा। किसी और चीज की जरूरत है?